तो इनका इंट्रोडक्शन खुद इनसे हम लेंगे। आपका नाम? जय भीम। सम्मानित साथियों, मेरा नाम महक सिंह, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी उत्तराखंड। और सम्मानित साथियों, हम यहाँ पर जो यूपी भवन पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण पर जो रासुका लगाई गई, सभी मुकदमों में उन्हें बेल मिल चुकी थी और बेल मिलने के बाद में 3 तारीख में सुबह 5 बजे उन पर रासुका तामील कर दी गई और उसके ही विरोध में हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन सम्मानित साथियों, जैसा रवैया वहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस का है, सहारनपुर पुलिस का है, वही सेम रवैया हमें यहाँ दिल्ली पुलिस का देखने को मिला। हम लोग पूर्णतः संविधान के दायरे में रहकर यहाँ प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के साथ ही अभद्रता थी की और हम लोगों के ही कपड़े फाड़ दिए गए, हम लोगों के हमारे साथियों के ऊपर ही लाठी बांधने का काम किया। तो जो कुछ हमें वहाँ के प्रशासन में देखने को मिला सहारनपुर के, वो सेम रवैया यहाँ के दिल्ली के प्रशासन का है। तो मुझे तो लगता है पूरे भारत देश में भीम आर्मी के लिए सेम रवैया होगा प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन पूर्णतः सरकार के दबाव में रहकर काम कर रहा है। वहाँ के जो प्रशासन ने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है, वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में लगाया है, क्योंकि वहाँ पर जो बवाल हुआ, सब्बीरपुर में जो कांड हुआ, आज भी वहाँ वो कांड करने वाले लोग, वो दबंग लोग आज भी खुली हवा में घूम रहे हैं। उन लोगों पर तो कोई रासुका का प्रावधान नहीं किया गया और एडवोकेट चंद्रशेखर रावण, जिसका इस घटना में कोई दोष नहीं है, जो वहाँ के डीएम महोदय भी और वहाँ के एसएसपी महोदय भी दुबे जी कहते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर रावण पूरी घटना स्थल पर कहीं नहीं था, वो हमारे साथ था और पूरे घटनाक्रम को शांत कराने में लगा था। तो जब वहाँ की सरकार ने ये सोची समझी रणनीति के तहत उनके ऊपर 19 डाल दिया गया और वो समाज का शेर आज भी पूरे 7 महीने हो चुके, समाज का शेर जेल में है, उसे निकालने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और हमारे जो बेल ऑर्डर हैं वो हमें मिल चुके हैं। 5 मुकदमों में हमें बेल मिल चुकी है, हमने जमानती तक भर दी है, तस्दीक तक करा दी है। अगर भाई से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा लिया जाता है तो अगले दिन ही चंद्रशेखर उप रावण जेल से बाहर होंगे। लेकिन यहाँ की मनुवादी सरकार, यहाँ की जो योगी सरकार, मोदी सरकार है, वो नहीं चाहती